दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो तमिल सिनेमा में नई ऊंचाई को छू रहा है। सूर्या की धमाकेदार एक्शन और इमोशन से भरी मूवी कंगुआ। क्या ये तमिल का बाहुबली और केजीएफ बन पाई है या फिर इसमें रह गई है कुछ कमी, चलिए जानते हैं इस रिव्यू में। तो कंगुआ का कहानी शुरू होता है दो अलग अलग टाइम पीरियड में, एक है मॉडर्न डे गोवा और दूसरा है 1070 एडी का समय। सूर्या इस मूवी में दो रोल्स में है, एक है प्रेजेंट डे में बाउंटी हंटर और दूसरे है एक पुराने युग का ट्राइबल वॉरियर कंगुआ। स्टोरी के दो लेयर्स हमें दिखाती है कि कैसे ये दो कहानियां जुड़ती है, लेकिन क्या ये कनेक्ट हमें एंगेज कर पाता है? कहना पड़ेगा कि फिल्म का स्केल और विजुअल्स बहुत ही ग्रैंड है। आइलैंड पर हुआ एक्शन और सूर्या का वॉरियर लुक पूरी तरह से इम्पैक्टफुल है, लेकिन कहीं कहीं पे स्टोरी का फ्लो थोड़ा लूज हो जाता है, जिसे और भी एंगेजिंग बनाया जा सकता था। सूर्या ने अपने दोनों रोल्स को पूरी शिद्दत से निभाया है, स्पेशली कंगुआ का जो वॉरियर रोल है वो इम्प्रेसिव है। बॉबी देओल का एक विलनियस रोल में तमिल डेब्यू देखने को मिलता है, लेकिन उनके कैरेक्टर को और डेप्थ मिल सकती थी। दिशा पटानी और योगी बाबू के सीन्स फिल्म में थोड़ा लाइटर टोन ऐड करते हैं, लेकिन कुछ सीक्वेंसेस अननेसेसरी लगता है। विजुअल और सिनेमेटोग्राफी फिल्म की जान है। कंगुआ में ट्राइबल वर्ल्ड और आइलैंड की ब्यूटी को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। बैकग्राउंड स्कोर कभी कभी ओवरपावरिंग लगता है, लेकिन मेजर एक्शन सीन को काफी सपोर्ट करता है। तो अगर आप एक्शन और ग्रैंड विजुअल्स के फैन है तो कंगुआ आपके लिए है, लेकिन स्टोरी के कुछ लूज एंड्स और स्लो पेसिंग कुछ लोगों को थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मूवी रिव्यूज और इंटरेस्टिंग इनसाइट लेके आते रहेंगे। क्या आपने कंगुआ देखी? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करना।